गुड इवनिंग। आज हम अभिप्रेरणा के आगे के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, अब हम आगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अगला सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत दिया है डी सी मैकलेलैंड व एटकिंसन ने, और ये सिद्धांत दिया गया था 1954 के अंदर। अब देखिए, ये उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है क्या, इसमें किस प्रकार अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, संवेगात्मक दशाओं में परिवर्तन से अभिप्रेरणा का जन्म होता है, ऐसा कौन सा सिद्धांत कहता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। यानी हमारे अंदर जो संवेग होते हैं, उन संवेगों में जो परिवर्तन होता है, उसके कारण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है और कार्य करता है, ऐसा किसके अनुसार है? मैकलेलैंड के अनुसार। अब देखो, इसको हम अन्य एक परिभाषा से समझते हैं। किसी संकेतों के माध्यम से व्यक्ति की भावात्मक परिस्थिति में पुनः समाकलन उत्पन्न कर देना ही क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा है। अब इस परिभाषा को अच्छे से समझिए, आपको पूरा जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातों पर क्या है वो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी संकेतों के माध्यम से व्यक्ति की जो भावात्मक परिस्थिति होती है उसमें क्या हो रहा है, पुनः समाकलन उत्पन्न होने से क्या हो रहा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का जन्म होता है। यहाँ पे संकेत आप समझ सकते हो, भावात्मक पक्ष आप समझ सकते हो, लेकिन पुनः समाकलन क्या होता है, ये आपके अंदर एक प्रश्न आ रहा होगा। देखिए, पुनः समाकलन का अर्थ होता है पर्यावरणीय संकेतों के परिणाम स्वरूप प्राणी के चेतन मन में मनोवैज्ञानिक क्रियाएं की पुनः स्थापना ही क्या कहलाता है, पुनः समाकलन। इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे समझिए, पुराने शिक्षक के मिलने से आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है, आपके संवेगों में परिवर्तन हो जाता है और उसके पश्चात आप उसी के अनुसार कार्य करते हो, वो क्या है, पुनः समाकलन। देखिए, पर्यावरणीय संकेत, यहाँ पे शिक्षक हो गया पर्यावरणीय संकेत, उसके परिणाम स्वरूप आपके चेतन मन में, यानी शिक्षक से संबंधित जितनी भी आपकी यादें थी अचेतन मन में, वो कहाँ आ जाती है, आपके चेतन मन में। अब इन चेतन मन में वह जो पुनः स्थापित हो जाती है आपकी भावात्मक दशाएं, यानी जो अचेतन मन में शिक्षक से संबंधित यादें थी, अब वो कहाँ आ गई, आपके चेतन मन में पुनः स्थापित हो गई है, उसे हम क्या कहेंगे, पुनः समाकलन। तो अब आप समझिए फिर से इसे, पुनः समाकलन समझ में आ गया आपको, पुरानी यादों को, पुराने जो संवेग आपके अचेतन मन में चले गए थे वो आ गए हैं पर्यावरणीय संकेतों के कारण आपके चेतन मन में। तो अब देखिए फिर से इसको पढ़िए, संकेतों के माध्यम से भावात्मक परिस्थिति में पुनः समाकलन, यानी संकेतों की वजह से आपकी जो भावात्मक स्थिति है, संवेगात्मक स्थिति है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो भी किसी पर्यावरणीय कारण के कारण, और उस परिवर्तन से क्या होता है, आपके अचेतन की जो भी इच्छाएं यादें थी वो सभी कहां आ गई, आपके चेतन मन में, और जब चेतन मन में आ जाती है और आपके संवेगों में परिवर्तन होता है तब व्यक्ति इन संवेगों से प्रेरित होकर कार्य करता है, ये सिद्धांत ये कहता है, और ये किसका मानना है, मैकलेलैंड का। तो आपको समझ में आ गया होगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा में मैकलेलैंड के अनुसार संवेगात्मक दशाओं में परिवर्तन से ही अभिप्रेरणा का जन्म होता है। अब देखिए, इस सिद्धांत के अंदर जो एटकिंसन थे, इन्होंने 1964 के अंदर सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति के दो प्रेरक बताए हैं। कितने? दो प्रेरक बताए हैं, किस चीज के, सफलता या उपलब्धि प्राप्त करने के, उसकी जो प्रवृत्ति है उसके दो प्रेरक बताए हैं। कौन से वो प्रेरक है देखते हैं। पहला है सफलता को प्राप्त करने का प्रेरक, और दूसरा है असफलता से बचने का प्रेरक। यानी इसमें कहा यह जा रहा है कि व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, या तो वो सफलता को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है, उसके अंदर जो प्रेरक है वो सफलता का प्रेरक है, या व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जो उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, वो इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वो असफलता से बचना चाहता है। तो यहाँ जो प्रेरक है वो कौन सा प्रेरक है, असफलता का प्रेरक है। इन दोनों ही प्रेरकों से हम चार निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार प्रेरित होता है, और उसकी उस अभिप्रेरणा से क्या परिणाम होता है, वो हम समझते हैं। देखिए, हम इसके जो चार निष्कर्ष निकलते हैं दो प्रेरकों के, उस निष्कर्ष को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए, पहला निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे,
सफलता प्रेरक और असफलता प्रेरक दोनों प्रेरकों का नाम मैंने लिखा है। ध्यान दीजिए, यदि व्यक्ति के अंदर सफलता का प्रेरक अधिक है और असफलता का प्रेरक कम है, यानी जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्त करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि असफलता से आप बचना चाहते हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी थिंकिंग जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसे थिंकिंग होती है? पॉजिटिव। दूसरा देखिए, व्यक्ति में सफलता और असफलता प्रेरक में यदि सफलता का प्रेरक क्या है? कम है, और असफलता का प्रेरक क्या है? अधिक है, तो व्यक्ति की जो थिंकिंग है वो क्या है? नेगेटिव है। यानी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसे सफल होना है, वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे असफलता से बचना है। तीसरा देखिए, यदि व्यक्ति में सफलता का प्रेरक भी कम हो और असफलता का प्रेरक भी कम हो, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो क्या होते हैं? चिंता मुक्त होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो बिल्कुल टेंशन में रहते हैं, काम तो वो भी करते हैं लेकिन उन्हें टेंशन भी होती है क्योंकि उनके अंदर ये प्रेरक नहीं है, ना तो उसे बहुत सफल होना है ना ही उसे असफलता से बचना है, तो ये दोनों प्रेरक अगर कम है तो व्यक्ति क्या रहता है? चिंता मुक्त रहता है। और अंतिम देखिए, यदि सफलता का जो प्रेरक है वो भी अधिक है और असफलता का प्रेरक भी अधिक है, यानी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो उसे करना है क्योंकि उसे सफल भी होना है और उसे असफलता से डर भी लगता है, ये दोनों प्रेरक उसके अंदर क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये जब दोनों प्रेरक बहुत ज्यादा होंगे तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? चिंता युक्त रहेंगे, ये हमेशा डू एंड डाई की स्थिति में रहते हैं। तो ये है देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत जो आपको समझ में आ गया होगा। मैकलेलैंड ने दिया था 1954 में, एटकिंसन ने इसी सिद्धांत के अंदर 1964 के अंदर सफलता प्राप्त करने के दो प्रेरक बताए हैं, सफलता से प्राप्त करने का प्रेरक और असफलता से बचने का प्रेरक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण वाद का सिद्धांत। अब चर्चा करते हैं हम मनोविश्लेषण वाद सिद्धांत पे। ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने, और इस सिद्धांत को सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंदर अभिप्रेरणा का जो मुख्य कारण बताया गया है वो कारण बताया गया है कि व्यक्ति अचेतन मन की दमित दमित इच्छाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है। यानी जो व्यक्ति है वो प्रेरित कैसे हो रहा है कार्य करने के लिए, अभिप्रेरणा कैसे आ रही है? अचेतन मन की दमित इच्छाओं से प्रेरित होता है। देखो फ्रायड के अनुसार उन्होंने मन की तीन अवस्थाएं बताई थी, आपको पता है पहली है अचेतन, दूसरी है चेतन, तीसरी है अर्धचेतन। ये तीन अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड ने बताई थी। तो देखिए आपको पता है कि उन्होंने अचेतन मन का जो भाग बताया वो व्यक्ति का 90% भाग बताया है और 10% क्या है? हमारे चेतन मन का भाग। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो कि अचेतन मन यानी 90% भाग जो है व्यक्ति के अंदर, उसमें क्या होता है? व्यक्ति की दमित इच्छाओं का भंडार होता है। यानी व्यक्ति जो भी उसकी इच्छाएं थी, जो चीजें वो करना चाहता है, वो कहाँ होता है? अचेतन मन में। तो व्यक्ति अपनी उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? प्रेरित होकर जीवन भर क्रियाएं करता है। ये सिद्धांत ये कहता है, यानी अचेतन मन ही व्यक्ति को प्रेरित करता है
अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करने के लिए ये सिद्धांत है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। इसीलिए इसे सुखवादी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करके सुख प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा किसने बताया? सिगमंड फ्रायड ने। एक और संदर्भ उन्होंने दिया है कि व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों की वजह से भी क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। लेकिन मूल प्रवृत्तियां फ्रायड के अनुसार कितनी है? फ्रायड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। हमने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत पढ़ लिया था पहले की क्लासों में। मूल प्रवृत्तियों की जो जनक है वो है विलियम मैकडूगल। लेकिन फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती है, और वो कौन सी है देखिए। पहली है इसमें जीवन मूलक प्रवृत्ति, जिसे हम इरोस भी बोलते हैं। दूसरी है यहां पे मृत्यु मूलक, इसे हम थैनटॉस भी कहते हैं। अब इन दोनों मूल प्रवृत्तियों को हम समझते हैं। हमारी जो ये मूल प्रवृत्तियां होती है, ये अचेतन मन से ही जुड़ी होती है। और यहां मुख्य बात यही है कि अचेतन मन की दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है। तो मूल प्रवृत्तियां किससे संबंधित होती है? हमारे अचेतन मन से। फ्रायड के अनुसार ये दो प्रकार की है, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। अब देखिए, जीवन मूलक क्या होती है और मृत्यु मूलक क्या होती है? ये जो होती है ये निर्माणकारी होती है, इसे हम अंतर के द्वारा समझते हैं। ये विध्वंसकारी होती है, इसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। और इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसके अंदर व्यक्ति आशावादी दृष्टिकोण रखता है। और इसमें व्यक्ति निराशावादी दृष्टिकोण रखता है। अब देखिए, इसे हम समझते हैं। दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं जो कि व्यक्ति को जीवन में प्रेरित करती है कार्य करने के लिए। जो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है वो व्यक्ति को किस प्रकार प्रेरित करती है? देखिए, ये निर्माणकारी होती है, ये कुछ ना कुछ सृजनात्मक या कुछ अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ नया निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है। हमेशा आपके अंदर इसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होगी, आपका दृष्टिकोण आशावादी होगा, और ये आपको हमेशा प्रगति की ओर ले जाएगी, कुछ अच्छा कार्य करवाएगी, कुछ अच्छा निर्माण करवाएगी, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। तो आपकी जो अभिप्रेरणा रहेगी उसमें क्या रहेगी? सकारात्मक अभिप्रेरणा रहेगी, जो कि आपको जीवन में हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर करेगी। और नकारात्मक जो है यानी मृत्यु मूलक, ये विध्वंसकारी होती है। इसमें चीजों को तोड़ना, आप चीजें खराब करना, गलत काम, इन चीजों के लिए प्रवृत्ति आपकी बनेगी, उसके लिए आप प्रेरित होंगे। आपकी ऊर्जा जो होगी वो नकारात्मक ऊर्जा होगी, निराशावादी आपका दृष्टिकोण होगा। और इस प्रकार के कार्यों से या इस प्रकार की अभिप्रेरणा से व्यक्ति में क्या होगा? पतन होता है, व्यक्ति हमेशा पतन की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार दो प्रकार की आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं जो कि अचेतन मन से जुड़ी होती है, और ये भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है कार्य करने के लिए। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो अभिप्रेरणा है वो सकारात्मक है, यहाँ पे जो अभिप्रेरणा है वो नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। इससे व्यक्ति का उत्थान होता है और इससे व्यक्ति का पतन होता है। तो ये था अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम अभिप्रेरणा के कुछ अन्य सिद्धांत, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम उसके नाम पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में उनके नाम से प्रश्न पूछा जाता है कि ये सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो अब हम कुछ अन्य अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के अन्य सिद्धांत, केवल नाम नाम आपको याद रखना है और किसने दिया है ये याद रखना है। पहला देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया
सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। दूसरा देखिए, चालक न्यूनता सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया है सी एल हल ने। तीसरा देखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन ने। चौथा सिद्धांत, अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत। और ये दिया है मैक ग्रेगर ने। अगला देखिए, अभिप्रेरणा का द्वि घटक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया है हजबर्ग ने। छठा सिद्धांत है प्रोत्साहन का सिद्धांत। इस ये सिद्धांत दिया है वॉल्फ व कॉफमैन ने। अगला सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया है सोले सबरी मैलमो और लिंडेस्ले। अगला देखिए, संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। ये दिया है चैपलिन, कॉफर एप्पल ने। अगला देखिए, गुणारोपण सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया है वाइनर ने। देखिए, अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये सिद्धांत क्या है और इन सिद्धांतों से जो अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। पहला सिद्धांत देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो दिया है थॉर्नडाइक ने। यानी यहाँ पे जो व्यक्ति कार्य करता है वो उद्दीपक को देखकर, यानी उद्दीपक से प्रेरित होकर कार्य करता है, ऐसा इस सिद्धांत में बताया गया है। अगला सिद्धांत है चालक न्यूनता सिद्धांत। यहाँ व्यक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यानी चालक न्यूनता को पूरा करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। यहाँ पे आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है। ये कहा है सी एल हल ने। क्षेत्रीय सिद्धांत के अंदर आपके सामने जो भी परिस्थिति है, आपके प्रत्यक्ष आपके जो भी परिस्थिति आती है, उसको देखकर आप प्रेरित होकर कार्य करते हो, ऐसा बताया है कुर्ट लेविन ने। अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत मैक्स ग्रेगर का सिद्धांत है। मैक ग्रेगर का सिद्धांत है जिसमें देखिए एक्स सकारात्मक होता है और वाई नकारात्मक, ये दो तत्व होते हैं जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत हजबर्ग के अनुसार, द्विघटक में आपके एक होता है आरोग्य घटक, एक होता है आपका अभिप्रेरणा घटक। अभिप्रेरणा घटक आपका आंतरिक होता है जिससे आप आंतरिक अभिप्रेरणा से कार्य करते हो। आरोग्य घटक जो होता है वो बाह्य होता है, बाह्य कारणों से आप प्रेरित होकर कार्य करते हैं। अगला देखिए प्रोत्साहन का सिद्धांत। इसमें ये कहते हैं कि व्यक्ति के लिए चालक से ज्यादा लक्ष्य महत्वपूर्ण है और वो लक्ष्य को देख के प्रेरित होता है और कार्य करता है। सक्रियता का सिद्धांत, यह जो सिद्धांत है
यह दक्षता पे बल देता है, यानी व्यक्ति को दक्ष होने के लिए बल देता है। और दक्षता के लिए जरूरी है कि आप अपने मांसपेशियों को क्या रखें, सक्रिय रखें। उन्हें सक्रिय रखने के लिए व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है, क्योंकि उसे क्या प्राप्त करनी है, दक्षता। और ये किसने दिया है, सोले सबरी, मैलमो, लिंडसे, उन्होंने दिया है सक्रियता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है संतुलन स्थैर्य सिद्धांत, ये दिया है चैपलिन, कॉफर, एप्पल ने। इस सिद्धांत के अंदर ये कहा जाता है कि व्यक्ति के सामने बहुत सारी असंतुलन की अवस्था होती है, उस अवस्था को संतुलित करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है, ऐसा इस सिद्धांत में बताया गया है। और अंतिम देखिए गुणारोपण का सिद्धांत, जो कि वाइनर ने दिया है। इस सिद्धांत के अंदर व्यक्ति अपने आप को समझने का प्रयास करता है, और वो हमेशा जब व्याख्या करता है इसकी, तो वो क्या करता है, खुद के ऊपर गुणारोपण करता है। यानी समझ लीजिए वो कोई व्यक्ति है जो सफलता प्राप्त करता है, तो वो क्या बताएगा, इस सफलता का कारण है क्योंकि इसके अंदर जो सफलता का कारण है वो मेरी क्षमता है, वो मेरी योग्यता है। तो इस प्रकार व्यक्ति खुद को समझने के लिए गुणारोपण करता है और अभिप्रेतों के कार्य करता है, ये है गुणारोपण का सिद्धांत। तो ये है अभिप्रेरणा के अन्य सिद्धांत। एग्जाम में आपके इन एग्जाम से लेके प्रश्न आ सकते हैं, नाम पूछा जा सकता है इसके बारे में, और ये सिद्धांत किसने दिया है, या इसके अंदर एक दो मुख्य लाइन जो मैंने आपको बताई कि ये सिद्धांत होता क्या है जिससे कि अभिप्रेरणा आती है। तो यहाँ अभिप्रेरणा का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।